अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। आज काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इमरान खान और बंदियाल की एक बहुत बड़ी चाल नाकाम बना दी है। ये चाल कैसे नाकाम बनाई गई है और ये चाल कैसे चली गई थी, इस हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात आपके साथ शेयर करूंगा मैं। और आज अदालत में अचानक क्या हुआ कि तमाम लोग हैरान रह गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि इसकी तवक्को नहीं थी लेकिन ये हो गया। तो बहुत बड़ी आज समात का अहवाल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात है जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस समात की डिटेल में जाऊं और इससे कबल कब कब कैसे कैसे बेंच बने हैं पूरी तफसीला से आपको आगाह करूंगा और किस किस तरह फिक्स बेंच मैच जो है वो जारी था, अचानक से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद को अचानक से शामिल कर लिया जाता है बेंच में, क्यों शामिल किया गया है और इसके पीछे क्या चाल थी, वो सारी आपसे शेयर करेंगे। आपको याद होगा जो लोग हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं पाकिस्तान की, इसहाक़ खान सदर थे, नवाज़ शरीफ की हुकूमत को 58(2)(b) के तहत उन्होंने रिमूव कर दिया था, असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थी। उस वक्त सदर के पास ये अख्तियार होता था कि वह असम्बली तहलील कर दे। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, 5 रुकनी बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का। उस वक्त जस्टिस सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत गिराई गई है 58(2)(b) के थ्रू, यह गैर कानूनी है और दोबारा इसे रिस्टोर किया जाए। नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत बहाल हो गई, लेकिन जस्टिस सज्जाद अली शाह ने, 4 जजेस ने नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया था। जस्टिस सज्जाद अली शाह जो जज थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था और उस इख्तलाफी नोट में उन्होंने लिखा था कि यह बिल्कुल आइन के मुताबिक असम्बली तहलील हुई है। उसके बाद हुआ यह कि मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत जब आई तो उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह को 2 सीनियर जजेस को क्रॉस करके जस्टिस सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस इसलिए बना दिया था कि चूंकि उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात थे शदीद, एक दूसरे के, दो पार्टियां होती थी एक दूसरे के खिलाफ ही चलते थे, तो उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह को इसलिए चीफ जस्टिस बना दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब बने, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक शख्स ने, एक जज ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया है तो हो सकता है वो पीपल्स पार्टी के हक़ में हो, और जस्टिस सज्जाद अली शाह का ताल्लुक भी सिंध से था तो एक ये भी वजह थी। लेकिन हुआ उसके बाद क्या, उसके बाद ये हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत फिर उसी कानून के तहत 58(2)(b) के थ्रू मुअत्तल कर दी, ख़त्म कर दी, असम्बलियाँ तहलील कर दी थी फारूक लगारी उस वक्त के सदर ने। हुआ ये कि फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, उस वक्त जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस बन चुके थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ही उन्हें बनाया था, लेकिन चीफ जस्टिस उस वक्त के सज्जाद अली शाह ने असम्बलियों तहलील जो हुई थी, जो फारूक लगारी ने की थी 58(2)(b) के थ्रे, उसे कानूनी करार दिया और बेनज़ीर की हुकूमत दोबारा बहाल नहीं की, जिसकी वजह से काफ़ी इख्तलाफात भी सामने आए। फिर उसके बाद हुआ ये कि नवाज शरीफ जब 97 में दोबारा हुकूमत में आए तो उस वक्त उन्होंने इस 52(8)(b) को, जो कानून था, इसे ख़त्म किया। अब इस कानून को ख़त्म किया, लेकिन जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इस पर सो मोटो एक्शन लिया, हालांकि आइनी तरमीम के थ्रू ये कानून ख़त्म किया गया था 58(2)(b), लेकिन 212 तकरीबन उस वक्त तादाद बनती थी हुकूमत के जो अरकान थे कौमी असम्बली में, तो 2/3 मेजोरिटी थी नवाज शरीफ के पास, आइनी तरमीम की गई थी, उसके बावजूद जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इसे रिमूव कर दिया, इस कानून को मानने से इनकार कर दिया, जैसे कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को हुक्म इम्तना में डाला हुआ है बंदियाल साहब ने। उसके बाद ये हुआ कि एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ ने वो कानून पास कर दिया, उसके बाद फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जो है इसे रिमूव कर दिया, और उसके बाद वो वाक्य पेश आया था, आपको पता होगा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के कारकुन घुस गए थे और नवाज शरीफ पे आज तक वो इल्ज़ाम लगता है, उसमें कितनी सदाकत है, बहरहाल ये इस हवाले से कोई खातिर ख्वा तहकीकात नहीं हो पाई थी। अब आ जाएं जी, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ ये चाल क्यों चली गई कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जब दरख्वास्तें आती हैं तो अचानक से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब याद आ जाते हैं। इससे कबल कब कब बेंच बने हैं पूरी डिटेल में आपको बता देता हूं, और उसमें कहीं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का नाम मौजूद नहीं है, और आज अदालत के अंदर क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगा। पहले आप ये याद रखिए कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 2014 से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 2014 से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और 2016 में पैनामा का केस सामने आया था। पैनामा का बेंच बनता है, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ये बेंच तश्कील देते हैं, उसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद नवाज शरीफ जब नाअहल हो जाते हैं तो मामला ये सामने आता है कि नवाज शरीफ की नाअहली कितनी होगी, उसके बाद बेंच बनता है 3 रुकनी, नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया जाता है, उसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद पार्टी सदर रह सकते हैं नवाज शरीफ या नहीं, ये मामला सामने आता है, फिर एक बेंच बनता है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, 2014 से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। फिर नवाज शरीफ के इस सदारती
पार्टी के सदर रह सकते हैं नहीं रह सकते, इस हवाले से भी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है। फिर उसके बाद हनीफ अब्बासी एक दरख्वास्त दायर करते हैं, आपको याद होगा उसमें वो इमरान खान के बनी गाला के हवाले से, मिस डिक्लेरेशन के हवाले से केस फाइल करते हैं। उसमें भी एक बेंच बनता है जो कि इमरान खान को सादिक और अमीन करार देता है, जहांगीर तरीन की उसमें कुर्बानी दी गई थी, आपको याद होगा। उसमें भी जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल नहीं किया जाता। फिर 25 मई का खान साहब पिछले साल धरना लेकर आते हैं, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी थी कि रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकते, एक पार्क के अंदर आप अपना जलसा कर सकते हैं खान साहब। उसके बाद जब हुकूमत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में, फिर बेंच बनता है, फिर उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल नहीं किया जाता। फिर इलेक्शन का जो कि एक पुलिस ऑफिसर का केस चल रहा था, उसमें अचानक से ख्याल आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो जजेस जिनका झुकाव तहरीक इंसाफ के तरफ है, या मुबैना तौर पर जिससे सासुमा बेंच भी कहा जाता है, वो दोबारा एक बेंच बनाते हैं। इलेक्शन क्यों डिले हो रहे हैं इस हवाले से, उसमें भी जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल नहीं किया जाता। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, हुकूमत एक कानून पास करती है, ये बिल्कुल अभी की बात है, और इसमें जो बेंच बनता है, जो हुक्म इम्तना जिस बेंच ने इस पर दिया हुआ है, कानून अभी बना नहीं है और उसको पहले ही रोक दिया गया है, इसमें भी जस्टिस काजी फायज ईसा को इस बेंच में शामिल नहीं किया जाता। फिर रिव्यू एंड जजमेंट केस आपके इल्म में है, एक और कानून पास किया गया है हुकूमत की जानिब से, इस पे जो बेंच बनता है इस पे भी अब समाज जारी है, और इन इलेक्शन जो इलेक्शन का 14 मई को करवाने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त को और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो है इसे एक साथ सुना जा रहा है, इस केस को यकजा करके सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भी जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल नहीं किया जाता। फिर नैब में गिरफ्तारी होती है, आपको पता है एक दिन खान साहब को, अजीम लीडर को, इनकलाबी लीडर को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उस इनकलाबी लीडर को सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है कि आपकी गिरफ्तारी जो है वह हम ख़त्म करवाते हैं। उस बेंच में भी बंदयाल साहब बैठते हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल नहीं किया जाता। रात 8 बजे कल जब एतजाज़ अहसन और लतीफ़ कोसा साहब, अब तो ये पीपल्स पार्टी के रुकन भी नहीं रहे, पीपल्स पार्टी ने इन्हें अपनी पार्टी तक से निकाल दिया, ये जाते हैं दरख्वास्त लेकर कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। इस हवाले से दरख्वास्त दायर की जाती है, एक बेंच तश्कील दिया जाता है, और रात 8 बजे यह खबर सामने आती है, मैंने ट्विटर के ऊपर देखी कि 9 रुकनी बेंच बनता है, और हैरत अंगेज़ बात उसमें यह थी कि अचानक से बंदयाल साहब को जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब याद आ जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज हैं, और पिछले मैं आपको हवाले दे चुका हूं तमाम जो अहम बेंचेस थे, वो तमाम अहम बेंचेस जिसने नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले दिए हैं और तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसले दिए हैं, उसमें कहीं भी चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार को शामिल नहीं किया जाता। बेंच कौन बनाता है आपके इल्म में है, और इसी बेंच बनाने का इख्तियार 3 जजेस पर डिवाइड करने के लिए ही कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया था, जिसे कानून बनने से पहले चीफ जस्टिस ने रोक दिया है। अब जब ये खबर सामने आई तो उसी वक्त सुप्रीम जो ट्विटर के ऊपर एक बहस शुरू हो गई, और उस बहस से पता चल रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे और वो माजरत कर लेंगे, इस बेंच से अलग हो जाएंगे। वही हुआ, ना सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा इस बेंच से अलग हुए, बल्कि जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो भी काजी फायज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार कर लिया इस बेंच से। अब 7 रुकनी बेंच की समाप्त कर रहा है। आज जब समाप्त शुरू हुई और जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर में दाखिल हुए, बड़ी तादाद में साफियों की मौजूद थी, साफियों की और तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान साफ़ी हैं, उनका यह ख्याल था कि जस्टिस काजी फायज ईसा को इस बेंच में शामिल करके बहुत बड़ी चाल चली है बंदयाल ने, और अब अगर मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फायज फैसला देते हैं तो उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए। तो उनकी शायद मेमोरी कम है, शायद उनकी यादाश्त कमज़ोर है, उन्हें याद करा दें कि जस्टिस काजी फायज ईसा 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दे चुके हैं। इससे इसके बाद जो 2019 में उन्होंने फैसला दिया था फैज़ाबाद धरने का, वो भी आपके इल्म में है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा वो जज समझे जाते हैं जो किसी के प्रेशर में नहीं आते, डराने वालों से भी नहीं डरते। तो ये खाम ख्याली है किसी की, उन्होंने एतराज़ क्यों उठाया है कि वो इस बेंच से क्यों अलग हो रहे हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होने तक हर बेंच गैर कानूनी है, ये तो एक उनका कहना था जस्टिस काजी फायज ईसा का। एक नुक्ता ये है कि उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो अभी कानून नहीं बना, उससे पहले आपने उस पर स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और स्टे क्यों दिया है कि बंदयाल चाहते हैं कि बेंच बनाना, जो फिक्स बेंच बनता आ रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस याया अफरीदी, इनको किसी बेंच में जो इमरान खान के हक़ में फैसला दिलवाना हो शामिल तक नहीं किया जाता। तो एक फिक्स बेंच जो गेम है वो चाहते हैं कि मैं बनाता रहूँ अगले 2-3 माह भी, और ये इसी तरह चलता रहे, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को रोका हुआ है। तो
काजी फायज ईसा साहब ने ये कहा है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो कानून का हिस्सा है या नहीं है, उस वक्त तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। फिर वो कहते हैं कि ताज्जुब हुआ कि रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम शामिल किया गया। ताज्जुब तो होना था कि पिछले 5 साल से जो भी बेंच बन रहे हैं, जो भी चीफ जस्टिस बना रहे हैं, वो जस्टिस गुलजार हों, जस्टिस बाबर अहमदा हों, पिछले साकिब निसार या मौजूदा बंदियाल चीफ जस्टिस हों, ये एक ही पार्टी को सपोर्ट करने का सिलसिला जारी है। इसमें कहीं भी जो इंसाफ पसंद जज जिन्हें समझा जाता है, जो किसी के प्रेशर में नहीं आते, कानून के मुताबिक फैसला देते हैं, काजी फायजी साहब, जस्टिस तारिक मसूद या जस्टिस याह्या अफरीदी, इन बेंचेस में उन्हें नहीं बिठाया जाता। तो ताज्जुब तो होना था रात 8 बजे अचानक से, क्यों? इसलिए कि अब जब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आया है तो जस्टिस गुलजार और जस्टिस उनके चहेते एजाजुल अहसन इनके पर जलते हैं, तो जाहिर है इनके लिए मुश्किल था इस फैसले में। वो चाहते थे कि अगर फैसला हो तो काजी फायजीसा की भी ढाल हमें मिल जाए, लेकिन काजी फायजीसा साहब ने हमेशा की तरह एक जीरक इंसान होने का सबूत दिया और उन्होंने ये वजूहत बताई हैं और इसलिए बेंच से अलहदा हो गए हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि मेरी दानिश में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। या तो आप ये कह देना कि ये कानून जो असेंबली ने बनाया है, हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं, कानून काबिल अमल नहीं है, या तो आप ये कर दें, आपके अंदर ये भी जुरत नहीं है बंदियाल साहब के अंदर, या तो कानून को उड़ा के फेंक देना। आपने उस पर स्टे क्यों लिया हुआ है? आप कानून को सही भी नहीं कह रहे, गलत भी नहीं कह रहे, आपने मामला लटकाया हुआ है और सिर्फ इसलिए लटकाया हुआ है कि जब तक मैं हूँ मेरे अख्तियार फिक्स बेंच के चलते रहें। उसके बाद काजी फायजी साहब ने एक और जो नुकता उठाया, वो कहते हैं कि चैमा गोयों से बचने के लिए सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। खुल के उन्होंने 20 मिनट आज गुफ्तगू की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता, उनका यह भी कहना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आने तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा है कि 25 करोड़ आवाम का आपको पहले ख्याल क्यों नहीं आया, ये उनका कहना था। दरख्वास्त गुजार जो थे एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, वो इसलिए उन्हें कहा गया कि इमरान खान के दौर में 40 से ज़्यादा सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, उन्हें सज़ाएं हुई हैं, तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? अब आप मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट में चलने के हवाले से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का केस कहीं मिलिट्री कोर्ट में ना चल जाए। तो जस्टिस तारिक मसूद ने यही पॉइंट उठाया है कि पहले आप लोग कानूनदान बनते हैं, इंसाफ पसंद बनते हैं, आईन के मुताबिक चलने वाले बनते हैं, उस वक्त तक कहाँ थे जब 40 से ज़्यादा लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो रही थी, इमरान खान का दौर था, एक पेज का दौर था, तो उस वक्त तो तहरीक इंसाफ वालों के लिए वो बात कहा करते थे ना। खैर, अगली वीडियो में कुछ मजीद मालूमात के साथ मैं हाजिर हूँ। इरफान अदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।